और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई खबर ही है। स्वप्नदास गुप्ता का राज्यसभा से इस्तीफा हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने स्वप्नदास गुप्ता को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि 2016 में राष्ट्रपति की तरफ से नामित संसद सदस्य हैं स्वप्नदास गुप्ता, इसलिए अगर वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। और अब बड़ी जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है सवाल उठने के बाद। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पूरी खबर विस्तार से बताएं सबसे पहले। जी हाँ, देखिए, जब ये बवाल उठा था कि स्वप्नदास गुप्ता को पहले राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए तकनीकी कारणों से, तो उसके बाद ये जानकारी मिली है कि स्वप्नदास गुप्ता ने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफा को मंजूरी अब तक नहीं मिली है और मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा में की जाएगी। लेकिन समीर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे ठीक 2 मिनट पहले मैंने खुद स्वप्नदास गुप्ता को फोन किया और उनसे पूछा कि आपने ये फैसला क्यों लिया और क्या आपने ऑफर किया था, तो स्वप्नदास की तरफ से ये कहा गया कि मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है कि नॉमिनेशन के प्रोसीजर के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो मैं करूंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन के प्रोसीजर के लिए, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन के लिए जो भी नियम एवं शर्तें जरूरी है उनका वो पालन करने के लिए तैयार थे और उसी के मद्देनजर उन्होंने राज्यसभा के पद में बतौर सांसद जो है उससे इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे को जैसे ही राज्यसभा के सभापति मंजूरी देंगे उसके बाद राज्यसभा में इस घोषणा की जाएगी। मनीष, ये बताइए कि ये क्या चूक हुई है क्या, क्योंकि देखिए जो रूल है 10वीं अनुसूची के जो नियम है वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी से अगर एफिलिएशन है तो वो जाहिर करना होगा। अब 2016 में नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के बनाए गए स्वप्नदास गुप्ता, और वो पीरियड बीत जाने के बाद, यानी 6 महीने का पीरियड बीत जाने के बाद भी अभी भी वो नॉमिनेटेड सदस्य ही हैं, तो संविधान विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि उनको ये पद छोड़ना पड़ सकता है अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो उससे पहले ही ये कदम उठा लिया गया कि स्वप्नदास गुप्ता ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ये एक संविधान का तकनीकी प्रश्न था। नियम के मुताबिक अगर कोई सांसद विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन करता है तो उसके पास 6 महीने का समय होता है। हाँ। लेकिन ये सुविधा उन सदस्यों के लिए नहीं होते जो नॉमिनेटेड सांसद होते हैं। स्वप्नदास गुप्ता नॉमिनेटेड सांसद के तौर पर राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की थी सार्वजनिक तौर पर या सदन को नहीं बताया था, और इसी वजह से जब ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि अगर स्वप्नदास गुप्ता बतौर राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य यहाँ आकर विधानसभा में नामांकन दाखिल करना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा चाहिए, और इसी वजह से जब ये राजनीतिक विवाद उठा तो स्वप्नदास गुप्ता ने सबसे पहले राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ये राज्यसभा के सभापति को उन्होंने ऑफर कर दिया, और जैसा कि मैंने आपसे भी बताया, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खुद जब मेरी स्वप्नदास गुप्ता से बात हुई तो स्वप्नदास ने मुझे बताया कि नामांकन के लिए जो भी नियम शर्तें चाहिए थी पालन तैयार था और इसी के तहत मैंने ये कार्रवाई की। तो ये सब कुछ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर एक नया मोड़ है, और या फिर आप कहें कि पश्चिम बंगाल के की जो चुनावी राजनीति की धड़क है वो अब संसद में भी इसका असर। और ये खबर हमें ये भी बताती है मनीष कि देखिए कितना कुछ दांव पर लगा है और किस तरह से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं बंगाल में मजबूत दावेदार, मजबूत कैंडिडेट उतारने की, कि राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया है स्वप्नदास गुप्ता ने और तारकेश्वर से बीजेपी के टिकट पर अब तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको टक्कर देने की तैयारी में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।